हेलो दोस्तों, सब ठीक ठाक। स्वागत है आपका अपना भाई का चैनल सी रिव्यू में। चलिए अभी बात करते हैं पेपर चिकन के बारे में। यह एक नाइट रोड ट्रिप है। आपका भी नाइट रोड ट्रिप एक मूवी बन सकता है, क्योंकि डर सबको लगता है। जब सुनसान रास्ते, जंगल के रास्ते आप निकलेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी इंसिडेंट हो सकता है। इस मूवी का कहानी इस तरह है कि एक बैदी नाम की कैरेक्टर है जो आरजे है, वो अपनी लाश शिफ्ट करके घर घर के लिए रवाना हो जाती है, कैब में बैठ के निकल जाती है और वो अपनी एक किताब निकाल के पढ़ने शुरू हो जाती है। कैब ड्राइवर उस मैम को टोक के बोलती है, मैम आप पास पढ़ रही है ना? और ड्राइवर उस कविता के कुछ पंक्तियां बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी की लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चूक में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी पे रहती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमने नहीं देती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ऐसे वो कैब ड्राइवर बोलते हैं। तो जो बैदी करेक्टर वो अट्रैक्ट हो जाने लगती है, वो कि पहले किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल ड्राइवर से नहीं मिलती है और धीरे धीरे उसे मिलना जुलना शुरू हो जाता है और हंसी मजाक शुरू हो जाता है और यह कहानी चलते रहती है। कहानी के बीच में उन लोगों के रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है जंगल के बीचों बीच। अब इस यहाँ पे टेंशन हो जाता है और यह आपको धीरे धीरे कहानी बढ़ती जाती है कि आगे क्या होगा। देखने के लिए पूरा मूवी देखना पड़ेगा आपको। इस मूवी का जो लोकेशन है वो सारे असम के जंगलों में किया गया है और जितने भी एक्टर हैं जो सारे असम के ही हैं। जब इस तरह का मूवी बनता है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला साउंड, दूसरा लाइट, जो दोनों कॉम्बिनेशन से ही बहुत अच्छा बनता है और इस दोनों कॉम्बिनेशन से ही ये मूवी बहुत ही अच्छा बना है। स्टोरी लाइन कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, और लेकिन स्क्रीन प्ले इंगेजिंग है पूरा पूरी। आपको ये मूवी एक भी सीन मिस करने की इजाजत नहीं देती है। अगर आप एक भी सीन मिस करते हैं तो आप लास्ट का ट्विस्ट समझ नहीं पाएंगे। और जब एक्टिंग की बात करते हैं तो जो कैब ड्राइवर जो है, जो बुलराम दास है, सच में बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। उनका 6 नवंबर में दो मूवी निकली, एक वेलकम होम और एक पेपर चिकन। दोनों में ही सेम तरह का रोल है लेकिन बुलराम दास ने इतने अलग अलग तरह से ये दोनों कैरेक्टर निभाए हैं ना कि आपको लगेगा नहीं कि ये सेम एक्टर है। हैट्स ऑफ उनको। जाते मैं कहना चाहता हूं कि ये इसमें एक गाना भी दिया गया है, मतलब सॉन्ग भी है जिसमें पेपोन ने गाया है, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि गाना का कुछ मुखड़ा ऐसा है, कंफ्यूजन है। इस गाने को जरूर सुने, मैं इसे इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।